हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एनसीईआरटी मास्टर करण राजपूत पे। आज हम आखिरी लेक्चर लेके आए हैं। इस लेक्चर में हम फैमिलीज़ को कवर करेंगे। पिछले दो या तीन लेक्चर शायद बन चुके हैं, ये आखिरी लेक्चर होगा इस चैप्टर का। देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, आप वीडियो को लाइक करा करें, शेयर करें, जिससे कि हमारे लाइक्स बढ़ें या व्यूज़ बढ़ें, तो इससे हमको फ़ायदा होगा, हमें इससे मोटिवेशन मिलता है। तो आप ध्यान रखिए, वीडियोस को अगर आपको पसंद आते हैं तो लाइक करें, हम अगर नहीं पसंद आते तो कोई बात नहीं, अगर लेकिन पसंद आते हैं तो वीडियोस को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। देखिए, पिछले लेक्चर में मैंने आपको फैमिलीज़ के ये सारे सिम्बल्स बता दिए थे और मैंने आपको बोला था कि इन सिम्बल्स को याद रखना है। अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप पिछले लेक्चर देख के इस लेक्चर पर आएँ। तो आज हम फैमिलीज पढ़ेंगे। देखिए, वैसे मैंने बहुत सारे कैरेक्टर्स फैमिली के बहुत सारे चीज़ें पिछले मतलब लेक्चरों में जब मैंने बताए थे कैरेक्टर्स बहुत सारे सिमेट्री वगैरह, तो वहाँ मैंने इनके एग्जांपल्स आपको बता दिए थे कि ये फैमिली में ये होगा, ये फैमिली में ये होगा। हम यहाँ और पढ़ लेते हैं तो हमारे में एक बार रिवाइज हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर आपके फैमिली दो तीन फैमिली दे रखी है, एक फेबेसी, दूसरी ब्रासिकेसी और लिलियसी। और यहाँ पर सॉरी, फेबेसी, सोलेनेसी और लिलियसी, और ब्रासिकेसी का सिर्फ डायग्राम दे रखा है। मैंने वैसे आपको ब्रासिकेसी के एग्जाम्पल भी बताए थे पिछले लेक्चर में, पीडीएफ दिया था, उसमें ब्रासिकेसी का भी एग्जाम्पल था, आपको ये ध्यान रखना है। तो ब्रासिकेसी का ये फ्लावर का डायग्राम दे रखा। देखिए, यहाँ पर फॉर्मूला लिख रखा। देखिए, ये सारे सिंबल्स आपको याद करने हैं। इस सिंबल का मतलब होता है एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री, यहाँ पर लिख रखा है, आप सिंबल्स याद कर लें। एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री होता है, इसका मतलब बाइसेक्सुअल है। और कैलिक्स 2+2 लिख रखा। देखिए, 2+2 का क्या मतलब है? देखिए, ये दो बाहर है और दो अंदर है, इसलिए यहाँ पर लिख रखा है 2+2। कोरोला कैसा है? कोरोला भी चार है, तो यहाँ पर चार लिख रखा है। एंड्रोशियम, इसके देखिए 2+4 में अरेंज है, ये फोर अंदर है दो बाहर है, इसलिए यहाँ लिखा है 2+4। और यहाँ पर देखिए, ये है गाइनोशियम, जी लिखा है गाइनोशियम, और नीचे लाइन खींच रखी है, यानी कि नीचे लाइन होती है, इसको बोलते हैं सुपीरियर ओवेरी, यानी यहाँ पर जो ओवेरी है वो सुपीरियर है, और कैलिक्स, कोरोला ये वगैरह सब नीचे हैं। सुपीरियर ओवेरी क्या होती है, हाइपोगाइनस वगैरह, ये सब आपको जानना है तो पिछले लेक्चर देख के इस लेक्चर पर आएँ। और यहाँ पर ये टू को कोष्टक में पुट किया है, क्यों पुट किया है? क्योंकि यहाँ पर सिन कार्पस कंडीशन है, यानी कि यहाँ पर बाई कार्पेलरी है, दो कार्पेल है और दोनों कार्पस की वॉल है जो आपस में फ्यूज्ड है, यानी कि सिन कार्पस कंडीशन है। इसलिए जब भी हमें सिन कार्पस शो करना होता है तो हम ऐसे कोष्टक में पुट कर लेते हैं कि ये आपस में अटैच है। यहाँ पर कोरोला के लिए ऐसा नहीं है, क्योंकि सब एक दूसरे से अलग अलग है, दोनों ये चारों एक दूसरे से टच नहीं कर रहे थे, इसलिए यहाँ पर फोर लिखा है। कैलिक्स 2+2 के अरेंजमेंट में, इसलिए 2+2 लिखा है। ऐसे आपको ध्यान रखना है कि कौन सा सिंबल क्या शो कर रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ ब्रासिकेसी का डायग्राम दे रखा है। इसके बाद जो अगली फैमिली आती है वो है फेबेसी। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं एक एक करके। दिस फैमिली वॉज अर्लियर कॉल्ड पेपिलियोनेडी। देखिए, उनको पहले पेपिलियोनेडी बोलते थे। ये पेपिलियोनेडी सब फैमिली है लेग्यूमिनेसी की, लेग्यूम प्लांट्स होते हैं उनकी जो बड़ी फैमिली है लेग्यूमिनेसी, उसकी एक सब फैमिली है पेपिलियोनेडी। इसको हम अब क्या बोलते हैं, अब इसको हम बोलते हैं फेबेसी। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, हर जगह मिलता है इसके प्लांट्स। ट्रीज हो सकते हैं, श्रब्स हो सकते हैं, हर्ब्स हो सकते हैं, रूट विथ रूट नोड्यूल। देखिए, अगर ये लेग्यूम प्लांट है तो हमें पता है कि लेग्यूम प्लांट में नोड्यूल्स होते हैं। और नोड्यूल्स क्या होते हैं, अगर आपने नहीं देखा हो तो आप कोई डाइकोट प्लांट या लेग्यूम प्लांट्स, दालों वाले प्लांट्स उठा के उनको जड़ों से उखाड़ना, आप देखना उसकी जड़ में छोटे छोटे ऐसे दाने जैसे स्ट्रक्चर होंगे, उन स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं नोड्यूल्स। वहाँ पर क्या होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं राइजोबियम वगैरह, जो वहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, जो कि प्लांट के लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम होता है वहाँ पर। इनका स्टेम होता है इरेक्ट हो सकता है, इरेक्ट मतलब एक स्ट्रेट हो सकता है, या फिर क्लाइंबर भी हो सकता है। इनके टेंड्रिल वगैरह से स्टेम ऊपर चढ़ सकता है दूसरे पेड़ से या किसी और वॉल से। लीव्स होती है वो अल्टरनेट होती है। जब मैंने लीव्स आपको पढ़ाया था तो वहाँ पर हमने पढ़ा था अल्टरनेट, ओपोजिट और वोल्ड टाइप की लीव्स पढ़ी थी, तो वहाँ मैंने अल्टरनेट में भी आपको बताया था, मैंने अल्टरनेट के एग्जाम्पल आपको याद करवाए थे, तो आपने पढ़ा था, मैंने बोला था मॉसी सुन अल्टरनेट रास्ता पकड़ लिया। मॉस से था मस्टर्ड, सी से था चाइना रोज और सुन से था सनफ्लावर। ये आपको ध्यान रखना। और मैंने ये भी कहा था आपको कि लगभग हमारी जो भी फैमिलीज है वहाँ पर भी अल्टरनेट मिलेंगे, मैंने आपको कहा था। तो देखिए, सबसे पहले वाली फैमिली आ गई फेबेसी, और यहाँ पर अल्टरनेट लीव्स है। अल्टरनेट मतलब एक नोड पर एक लीव्स होगी, फिर दूसरे नोड पर दूसरी लीव्स होगी और ऑपोजिट होंगी, ऑपोजिट में चलेंगी। मैंने ये सारा चीज़ पिछले लेक्चरों में बता रखा है, डायग्राम बना के अच्छे से बताया, तो आप वो देख लीजिए, क्योंकि बार बार टाइम वेस्ट होता है ऐसा बताने से। पिनेट कंपाउंड लीव्स हो सकती है या फिर सिंपल हो सकती है, लीफ सिंपल भी हो सकती है या पिनेट भी हो सकती है। लीफ बेस कैसा होगा, तो देखिए डाइकोट्स में मैंने आपको बताया था लीफ बेस पल्विनेट होता है। पल्विनेट क्या होता है, तो ये आपको पिछले लेक्चर देख के ही पता चलेगा पल्विनेट क्या होता है, शीट वाला क्या होता है।
और स्टिपुलेट होता है, देखिए यहाँ पर लीफ की जो पेटियोल है वहाँ पर बेस पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स मिलते हैं जिनको स्टिपुल बोलते हैं, इसके बारे में भी हमने पढ़ रखा है, स्टिपुल क्या होते हैं, ब्रैक्ट क्या होते हैं वगैरह। तो यहाँ पर स्टिपुलेट होता है, मैंने आपको बताया था कि सिर्फ हमारे सिलेबस में जो फैमिली है, तीन फैमिली है या चार फैमिली है, वहाँ पर सिर्फ फेबेसी ऐसा है वो स्टिपुलेट है, बाकी सब एक्स स्टिपुलेट है। स्टिपुलेट का मतलब यहाँ पर लीव्स के बेस पे स्टिपुल मिलते हैं। वेनेशन रेटिकुलेट होगा क्योंकि डाइकोट प्लांट है तो रेटिकुलेट होगा, हमने पढ़ा है। अब आगे फ्लोर कलेक्टर्स पढ़ते हैं। इनफ्लोरेसेंस कैसा है, तो रेसमोस टाइप का है। देखिए हमने रेसमोस क्या होता है, साइमोस क्या होता है वो पहले पढ़ रखा है, डेफिनेशन मैंने वहाँ पर आपको एग्जांपल भी बता दिए थे कि मुझे पता था आगे मैंने पढ़ रखा था, आप पहली बार शायद पढ़ रहे हो तो आपको नहीं पता हो, लेकिन मैंने वहीं पर आपको एग्जाम्पल बता दिए थे कि कौन सी फैमिली में रेसमोस है, कौन सी फैमिली में साइमोस है। मैंने आपको बताया था एफ बी आर, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था एफ बी आर, एफ से था फेबेसी, बी से था ब्रासिकेसी और आर का मतलब है रेसमोस। तो यहाँ पर फेबेसी हमने पढ़ ली है, ब्रासिकेसी हमारे सिलेबस में वैसे यहाँ डिस्क्रिप्शन में नहीं लिख रखा, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि ब्रासिकेसी में भी रेसमोज होता है और आर का मतलब है रेसमोज, एफ बी आर। फ्लावर कैसे होते हैं यहाँ पर, तो फ्लावर यहाँ पर बाइसेक्सुअल होते हैं। देखिए हमारे सिलेबस में जो चारों फैमिली है सब में फ्लावर है वो बाइसेक्सुअल है, तो ये जेंडर तो खत्म है, बाइसेक्सुअल या यूनिसेक्सुअल, हमारी फैमिली में जो भी प्लांट्स है सारे बाइसेक्सुअल है। और जाइगोमॉर्फिक होता है, यानी कि यहाँ पर फ्लावर को हम एक ही प्लेन में काट सकते हैं मिडल से, तो यहाँ पर जाइगोमॉर्फिक होता है। जाइगोमॉर्फिक याद करने के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी, आपको मैंने बोला था कि फेबेसी है उसके सारे प्लांट्स जाइगोमॉर्फिक होते हैं, तो ये फेबेसी फैमिली के अंदर जाइगोमॉर्फिक यहाँ हमने पढ़ लिया। दूसरा मैंने बताया था काशिया गुलमोहर, मैंने आपको बताया था काशिया गुलमोहर प्लस फेबेसी आपको ध्यान रखना है जाइगोमॉर्फिक होते हैं, काशिया गुलमोहर प्लस फेबेसी, अगर आपने वो लेक्चर देखा हो तो आपको याद होगा मैंने बताया था काशिया गुलमोहर प्लस फेबेसी जाइगोमॉर्फिक होती है। और वहाँ लिख रखा, वहाँ देखिए फेबेसी नहीं लिखा था, वहाँ लिखा था पी बीन काशिया गुलमोर, लेकिन पी और बीन वगैरह सारे ये किस में आते हैं, ये आते हैं फेबेसी में, इसलिए मैंने आपको बोला था ऐसे याद रखिए फेबेसी प्लस काशिया गुलमोहर ऐसे। इसके बाद आगे हम पढ़ते हैं कैलिक्स। कैलिक्स का जो एक पार्ट होता है या एक जो इसकी यूनिट होती है उसको सेपल बोलते हैं, तो यहाँ सेपल फोर फाइव होते हैं, फाइव सेपल है और गेमोसेपल्स, गेमोसेपल्स का मतलब होता है सेपल आपस में अटैच होते हैं एक दूसरे से। और एस्टिवेशन कैसा है, तो वेलवेट है, मैंने ये भी बताया था वेलवेट एस्टिवेशन कहाँ मिलेगा, तो मैंने आपको बताया था मैक्सिमम सारे प्लांट्स के जो हमारे जो फैमिलीज है, मैक्सिमम दो तीन फैमिली है, सब फैमिली में लगभग जो कैलिक्स है उसका जो एस्टिवेशन है या सॉरी उसका जो सेपल का अरेंजमेंट है वो हमेशा गेमोसेपल्स होता है, ज़्यादातर केस में गेमोसेपल्स होगा, ये आपको ध्यान रखना है। एस्टिवेशन है वो वेलवेट होगा, ये आपको ध्यान रखना है, वेलवेट होगा और गेमेसिपल्स होंगे यानी कि आपस में अटैच होंगे, और एस्टिवेशन होगा वो वेलवेट होगा, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है वेलवेट भी है और इम्ब्रिकेट भी है, कुछ में इम्ब्रिकेट होता है, ज़्यादातर वेलवेट होता है लेकिन कुछ में इम्ब्रिकेट भी होता है। पहले यहाँ पर सिर्फ वेलवेट था, बाद में एनसीईआरटी में करेक्शन कर दिया और इम्ब्रिकेट भी पुट कर दिया हमने। कोरोला देखिए पाँच होते हैं, कैलिक्स भी पाँच हैं, कोरोला पाँच है और पॉलीपेटलस है। देखिए सेपल थे वो यूनाइटेड थे यानी आपस में अटैच थे, इसलिए गेमोसिपल्स लिखा है, और जो कोरोला है वो आपस में एक पेटल दूसरे पेटल से अटैच नहीं है, सिर्फ एक अंदर वाला सबसे छोटे जो होते हैं, मैं आपको डायग्राम बताता हूँ, ये देखिए इसका डायग्राम है और ये कोरोला अंदर वाला कोरोला, ये कैलिक्स है जो कि वेलवेट एस्टिवेशन दिखा रखा है, और ये कोरोला देखिए ये सबसे बाहर वाला होता है, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड पेटल होता है, ये स्टैंडर्ड, इसको स्टैंडर्ड नाम देते हैं, और ये दोनों लेटरल है, इनको बोलते हैं विंग्स, और ये सबसे अंदर वाले इनको बोलते हैं कील या करीना। तो आपको ध्यान रखना है सबसे अंदर वाले होते हैं जो अटैच होते हैं एक दूसरे से, बाकी बाहर वाले जो अटैच नहीं होते, इसलिए हम इसको बोलते हैं पॉलीपेटलस। पेपिलियोनेसिस कंस्टिट्यूट, ये मैंने बता दिया, बाहर वाला स्टैंडर्ड होता है, फिर जो लेटरल में होते हैं उनको क्या बोलते हैं, विंग्स बोलते हैं, और सबसे अंदर होता है उसको कील बोलते हैं या फिर करीना बोलते हैं, सी ए आर आई एन ए करीना। इतना आपको ध्यान रखना है। एस्टिवेशन कैसा होता है, तो वेक्सिलरी होता है, अगर आपको एस्टिवेशन वगैरह सब देखना है, ट्विस्टेड वेक्सिलरी ये सारे पिछले लेक्चर में हमने कवर किया, वो देख लीजिए, फिर इस लेक्चर पे आइए, मैं बार बार बता रहा हूँ पिछले लेक्चर क्योंकि इंपॉर्टेंट है, कड़ी से कड़ी बनती है, देखिए आप डायरेक्ट इस लेक्चर पे आएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। एंड्रोशियम देखिए डाईएडेल्फस होता है, हमने पढ़ा था मोनोएडेल्फस, डाईएडेल्फस, पॉलीएंड्रस, ये सारी टर्म्स हमने पढ़ी थी, मैंने आपको वहाँ पर एग्जाम्पल भी बताए थे कि डाईएडेल्फस में आपको फेबेसी ध्यान रखना है कि वहाँ पर डाईएडेल्फस कंडीशन होती है, तो ये आ गया फेबेसी में डाईएडेल्फस। गाइनोशियम यहाँ पर ओवेरी सुपीरियर होती है, मोनोकार्पेलरी होती है, यूनिलोक्युलर, और ये मैंने आपको एक चीज़ बताई थी पिछले लेक्चर में भी कि यहाँ पर यूनिलोक्युलर विथ मल्टी ओव्यूल, यूनिलोक्युलर कार पे लेके तो एक ही लोक्यूल होगा, लोक्यूल मतलब आप सिंपल समझे तो कमरा जिसके अंदर ओव्यूल बन रहे हैं। देखिए ओवरी के अंदर एक जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं लोक्यूल, और लोक्यूल के अंदर मिलते हैं ओव्यूल्स, तो यहाँ पर क्या होगा यूनिलोक्युलर, क्योंकि एक ही ओवरी एक ही कार पे ले तो एक ही ओवरी है, और एक ही ओवरी के अंदर क्या है बहुत सारे ओव्यूल्स हैं, तो इसलिए हम बोल रहे हैं यूनिलोक्युलर विथ मैनी ओव्यूल्स। और स्टाइल कैसा होगा, सिंगल एक ओवरी है तो उसके ऊपर एक ही स्टाइल होगा, एक ही स्टिग्मा होगा,
और यहाँ पर फ्रूट्स कैसे होते हैं, तो फ्रूट्स आपको ध्यान रखने हैं, यहाँ पर सीड्स मिलती हैं और जो सीड्स होती है वो मैक्सिमम सीड्स होती है वो नॉन एंडोस्पर्मिक होती है। हमने पढ़ा था कि डाइकोट्स में मैक्सिमम जो सीड्स होती है वो नॉन एंडोस्पर्मिक होती है, सिर्फ एक्सेप्शन मैंने बताया था, एक था कास्टर, हमारे पिछले हमने पढ़ रखा है लेक्चर में, एक था कास्टर और दूसरा आपको ध्यान रखना है सोलेनेसी फैमिली। सोलेनेसी फैमिली के अंदर जो एग्जाम्पल्स आते हैं वो सारे डाइकोट हैं फिर भी एंडोस्पर्मिक है। बाकी ये जो फेबेसी फैमिली है डाइकोट की है, ब्रासिकेसी भी डाइकोट है लेकिन यहाँ पर नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। सोलेनेसी डाइकोट होते हुए भी एंडोस्पर्मिक है और एक कास्टर ध्यान रखना है, वो भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। अब इसका फॉर्मूला देखिए, हमने पढ़ा जाइगोमॉर्फिक है तो जाइगोमॉर्फिक शो करने के लिए ऐसे लिखते हैं, बाइसेक्सुअल है मैंने बता दिया सारे प्लांट्स जो लिलियसी सोलेनेसी फेबेसी सब बाइसेक्सुअल है, ब्रासिकेसी। कैलिक्स देखिए पाँच है और हमने बताया कि सब एक दूसरे से जुड़े हुए गैमोसिपल ऐसे, तो उसको दिखाने के लिए इसने कोष्टक में डाला है। कोरोला देखिए हमने बताया पॉलीपेटलस होता है तो 1+2+2 है, और इस 2 को क्यों कोष्टक में पुट किया है, क्योंकि ये दोनों सबसे अंदर वाले हैं जो कि एक दूसरे से अटैच है। इसका एंड्रोस्टियम है जो डायडेल्फस है, यानी कि 9+1 का अरेंजमेंट होता है, ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, दो बंडल्स में, डायडेल्फस का मतलब है दो बंडल्स, एक 9 का बंडल है, ये 9 एंड्रोस्टियम एक दूसरे से अटैच है और एक ये सिंगल है, यानी कि यहाँ पर 9+1 का अरेंजमेंट है, इसलिए यहाँ पर ये डायग्राम में लिख रखा है 9+1, 9 आपस में जुड़े हुए हैं और एक अकेला है। गाइनोशियम देखिए सुपीरियर है और क्या यूनिलोक्युलर है, मोनोकार्पेलरी यानी एक ही कार्पेल है, तो इसलिए इसको शो करने के लिए यहाँ पर ये नीचे लाइन खींची है, इसका मतलब हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस का मतलब सुपीरियर ओवेरी और एक ओवेरी है तो 1 लिखा है। इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है और इसके एग्जाम्पल क्या है वो देख लेते हैं। देखिए मेनी प्लांट्स बिलोंगिंग टू दिस फैमिली आर सोर्सेस ऑफ पल्सेस, देखिए इस फैमिली में जो मेनली जो सारे प्लांट्स आते हैं वो पल्सेस होते हैं, दालें वगैरह होते हैं, तो ग्राम, अरहर, सेम, मूंग, सोयाबीन और कुछ होते हैं जिनसे ऑयल मिलता है, खाने का तेल मिलता है, तो उसमें है सोयाबीन है, ग्राउंडनट है, ये आपको ध्यान रखने हैं। डाई में है इंडिगोफेरा, फाइबर में है सन है, फोडर में, फोडर यानी कि चारा वगैरह होता है उसमें जो गाय भैंसों के लिए यूज़ होता है, तो सेसवेनिया ट्राइफोलियम, ऑर्नामेंट सजावटी जो पेड़ होते हैं उनमें है ल्यूपिन, स्वीट पी, मेडिसिन में अगर है तो मुलियथी। ये एग्जाम्पल आपको बार बार पढ़ने हैं, आपको याद करने हैं, कैसे भी करके आप बार बार पढ़िए याद हो जाएंगे एग्जाम्पल आपको। अगली जो फैमिली है वो है सोलेनेसी, इट इज़ लार्जली लार्ज फैमिली कॉमनली नोन एज पोटेटो फैमिली, इसको पोटेटो फैमिली बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर पोटेटो आता है मेनली, तो पोटेटो फैमिली बोलते हैं। इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, सब जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, ट्रॉपिक है, सब ट्रॉपिक वगैरह सब टेम्परेट जोन में सब जगह। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स क्या है, तो प्लांट मोस्टली हर्ब्स, श्रब्स या रेयरली ट्रीज, देखिए इसमें जो मोस्टली हमने देखे हैं इसमें जो सारे एग्जाम्पल मिलेंगे मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ इसके, देखिए इसके एग्जाम्पल देखिए आप, इसके एग्जाम्पल में है टोमेटो, ब्रिंजॉल, पोटेटोस, चिली, मेडिसिन प्लांट, एस्वागंधा, फिमिग्रेटी, टोबैको, ये सारे प्लांट्स ऐसे प्लांट्स हैं जो कि हर्ब्स वगैरह होते हैं या श्रब्स होते हैं, मैक्सिमम ट्रीज इसमें बहुत कम होती है, तो रेयरली ट्रीज होगी, स्टेम एरियल होगा यानी कि ऊपर खड़ा होगा और इरेक्ट सिलिंड्रिकल ब्रांच हो सकता है, सॉलिड हो सकता है या फिर होलो भी हो सकता है, हेरी हो सकता है, ग्लेबरस हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। अंडरग्राउंड स्टेम होता है, जैसे पोटैटो में जो स्टेम होता है वो मॉडिफिकेशन होता है, स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है पोटैटो अंडरग्राउंड स्टेम का, ये आपको ध्यान रखना है। और लीव्स इसकी अल्टरनेट होती है, मैंने आपको बता दिया लगभग सारी फैमिली में हमारे लीव्स है वो अल्टरनेट है, आपको ध्यान रखना है। सिंपल हो सकती है इसमें मेनली, ज़्यादातर सिंपल होती है, कुछ में पिनेट होती है, रेयरली पिनेट होती है, बाकी मैक्सिमम लीव्स होती है वो सिंपल होती है। आपने टमाटर के इसके पौधे तो देखे होंगे, उसमें मैक्सिमम जो लीव्स होती है वो पूरी पूरी स्ट्रक्चर में फ्लैट होती है, यानी कि उसमें लीफलेट्स नहीं होती ज़्यादातर। एक्स स्टिपुलेट होता है, स्टिपुल की मैंने कंडीशन आपको बता दी, सिर्फ फेबेसी में आपको ध्यान रखना है स्टिपुलेट है, बाकी हमारी जो फैमिलीज है वहाँ पर एक्स स्टिपुलेट है यानी कि स्टिपुल नहीं होता है। वेनेशन रेटिकुलेट है, रेटिकुलेट क्यों है कि ये भी डाइकोट है, सोलेनेसी डाइकोट है तो यहाँ पर भी रेटिकुलेट है। इनफ्लोरेसेंस सोलिटरी है, देखिए सोलिटरी का मतलब होता है कि एक अकेला फूल लगना, मतलब एक जगह पे एक अकेला फूल लगेगा, यानी कि फूल का बंडल नहीं लगता। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर आपने देखा कि फूल के गुच्छे लगते हैं पूरे पूरे यहाँ, लेकिन यहाँ पर एक फूल लगेगा तो एक अकेला फूल लगेगा, इसको बोलते हैं सोलिटरी। एक्जियल होंगे, अब एक्जिलरी है और यहाँ पर क्या है साइमोज, मैंने आपको साइमोज का एग्जाम्पल कैसे बताया था, मैंने बोला था कि आपको रेसमोज याद रखना है FBR से, तो साइमोज कैसे याद हो जाएगा, बाकी बची कुची कौन सी है, एफ एफ में फेबेसी, बी से ब्रासिकेसी और बाकी फैमिली कौन सी बची हमारी लिलियसी और सोलेनेसी, तो सोलेनेसी में हमने क्या बताया साइमोज, ऐसे आपको याद रखना है कि साइमोज होता है यहाँ पर, और यहाँ पर साइमोज है सोलेनम में। जैसे फ्लावर कैसे हैं, तो बाइसेक्सुअल है, देखिए सारे फ्लावर मैंने बता दिए बाइसेक्सुअल है, लिलियसी सोलेनेसी ब्रासिकेसी सब में बाइसेक्सुअल फ्लावर है। और सिमेट्री कैसी है, तो यहाँ पर एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए हमारे जो फैमिली है जिसमें ब्रासिकेसी है, सोलेनेसी है, लिलियसी है, ब्रासिकेसी सोलेनेसी लिलियसी में एक्टिनोमॉर्फिक है, सिर्फ एक में जाइगोमॉर्फिक है वो है फेबेसी। इसका भी एक कॉन्सेप्ट आप रखिए कि ब्रासिकेसी सोलेनेसी लिलियसी तीनों में एक्टिनोमॉर्फिक है,
एक अकेला है जाइगोमॉर्फिक जो कि है, जिसमें वेक्सिलरी एस्टिवेशन मिल रहा है, वो विंग वगैरह वो सब आ रहे हैं स्टैंडर्ड विंग्स, तो वहाँ पर आपको जाइगोमॉर्फिक ध्यान रखना है। कैलिक्स देखिए, इसमें सेपल 5 है, यूनाइटेड है, मैंने आपको बता दिया यूनाइटेड ही मिलेंगे मैक्सिमम में, वेलवेट एस्टिवेशन होता है। कोरोला में देखिए आपको ध्यान रखना है पेटल 5 होते हैं, यूनाइटेड होते हैं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो पेटल है यूनाइटेड है, यानी कि गैमोसिपलस होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, सॉरी गैमो पेटलस होते हैं और सीपल भी जुड़े हुए, तो गैमो सेपेलस भी हो गया और गैमो पेटलस भी हो गया, ये दोनों है, गैमो पेटलस भी है और गैमो सेपेलस भी है। इससे पहले हमने जो इसमें फेबेसी में पढ़ा था, तो यहाँ पर कैलिक्स थे जो कि यूनाइटेड थे, लेकिन जो कोरोला था वो यूनाइटेड नहीं था, यहाँ पर 1+2+2 का अरेंजमेंट था, ये ध्यान रखना आपको। देखिए इंपॉर्टेंट है ये सब, आपको चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी, और याद कैसे रहेंगी, तो बार बार पढ़ने से याद रहेंगी। यहाँ पर कैलिक्स 5 है, पांचों यूनाइटेड है, कोरोला 5 है वो भी यूनाइटेड है, और यहाँ पर एंड्रोशियम कैसा है, तो एपिपेटलस, देखिए एपिपेटलस का मतलब होता है कि एंड्रोशियम है वो कोरोला से जुड़ा हुआ है, एपी फिर पेटलस, पेटलस यानी पेटल से जुड़ा हुआ है, यानी पेटल से अटैच है, पेटल के ऊपर है एपिपेटलस। तो ये इसको दिखाने के लिए हम कैसे, देखिए अगर कोई जैसे पेटल है पेटल से जुड़ा हुआ होता है तो हम ऐसे कोष्टक में पुट करते हैं, लेकिन एंड्रोशियम है वो मान लो पेटल से जुड़ा, तो हम उसके ऊपर ऐसे लाइन बना देते हैं इसको शो करने के लिए कि ये इससे अटैच है। तो हमने बता रखा है यहाँ पर एपिपेटलस, तो ये डायग्राम में ऐसे शो कर रखा है ऐसे जुड़ा हुआ। गाइनोशियम बाइकार्पेलरी है, देखिए सोलेनेसी और यहाँ दोनों में बाइकार्पेलरी है, देखिए आपको ये ध्यान रखना है, सॉरी फेबेसी में बाइकार्पेलरी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर सोलेनेसी में सॉरी फेबेसी में मोनोकार्पेलरी था, यहाँ पर बाइकार्पेलरी है, मैं हर कुछ बोल रहा हूँ ध्यान रखिए, एक बार फिर से बोल देता हूँ, फेबेसी में मोनोकार्पेलरी है और यहाँ पर सोलेनेसी में बाइकार्पेलरी है, ये ध्यान रखना है। और एक हमने पढ़ा था ब्रासिकेसी, वहाँ पर भी बाइकार्पेलरी था, मैं आपको बता देता हूँ ब्रासिकेसी का डायग्राम एक बार फिर से, ये देखिए ये ब्रासिकेसी, यहाँ पर बाइकार्पेलरी सिनकार्पस है। अब बताता हूँ फेबेसी में, देखिए यहाँ पर यूनिकार्पेलरी है, एक ही देखिए कार्पेल दे रखा है और एक ओविल दे रखा है अंदर, ओविल बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन कार्पेल एक होगा। तीसरा हमने पढ़ा है सोलेनेसी, ये रहा सोलेनेसी, और यहाँ पर दे रखा है देखिए बाइकार्पेलरी सिनकार्पस, ये कोष्टक बना रखा है इसका मतलब सिनकार्पस है। और सुपीरियर देखिए, हमारी फैमिली में सारे सुपीरियर ओवरी वाले, यानी कि सब में गायनोशियन ऊपर होगा और लाइन नीचे होगी, ये ध्यान रखना है। अब इसमें आप कहाँ तक पढ़ लिया, एंड्रोशियम एपिपेटलस बनाएंगे, एंड्रोशियम पेटल से अटैच होता है, एक ये फैमिली आपको ध्यान रखनी है सोलेनेसी, जिसमें एपिपेटलस कंडीशन मिलती है। गाइनोशियम देखिए बाइकार्पेलरी होता है, बता दिया आपको, ऑब्लिकली प्लेस्ड सिनकार्पस होता है, ये भी बता दिया, ओवेरी सुपीरियर होगी बता दिया, बाइलोक्युलर है, इससे पहले हमने फेबेसी में पढ़ा था यूनिलोक्युलर है, प्लेसेंटा स्वेलन विथ मेनी ओव्यूल्स एक्सियल, देखिए यहाँ पर प्लेसेंटेशन है वो एक्सियल प्लेसेंटेशन है, ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो प्लेसेंटेशन मिल रहा है वो कैसा है, तो वो एक्सियल प्लेसेंटेशन है, जैसे हमने आप एग्जांपल याद रखे टोमेटो आपने देखा ही, वहाँ पर एक्सियल प्लेसेंटेशन होता है, हमने प्लेसेंटेशन भी पढ़ा था, वहाँ एग्जांपल पढ़े थे हमने टोमेटो वगैरह, लेमन टोमेटो हमने पढ़ा था, तो वहाँ एक्सियल प्लेसेंटेशन था, तो यहाँ पर वही है। फ्रूट में यहाँ बेरी हो सकती है, कैप्सूल हो सकता है, अब बेरी और कैप्सूल इसके बारे में एनसीईआरटी में नहीं बता रखा, अगर आपको ये पढ़ना है तो कमेंट में बताएं, हम अलग एक लेक्चर बना देंगे जिसमें सारे फ्रूट्स बेरी पोम ऐसे सारे कैप्सूल वगैरह सब कवर कर लेंगे। सीड्स देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये एक्सेप्शन है, डाइकोट होते हुए भी यहाँ पर एंडोस्पर्मिक सीड मिलते हैं, ये देखिए। फ्लोर डायग्राम बता दिया यहाँ पर, ये देखिए एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल, कैलिक्स 5 आपस में जुड़े हुए हैं, वेलवेट एस्टिवेशन है, कोरोला 5 है आपस में जुड़े हुए हैं, गेमोपेटलस है, एंड्रोशियम है जो 5 है और पांचों कोरोला से अटैच है यानी पेटल से अटैच है, तो इसको एपिपेटलस बोला हमने। गाइनोशियम बाइकार्पेलरी है दो लिखा है, सिनकार्पस यानी कोष्टक पुट किया, और सुपीरियर ओवेरी है तो लाइन नीचे पुट की। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, मैनी प्लांट्स बिलोंगिंग टू दिस फैमिली आर सोर्सेस ऑफ फूड, फूड का सोर्स है यानी वेजिटेबल्स है बहुत सारे, टोमेटो ब्रिंजल पोटैटो या चिल्ली वगैरह। मेडिसिनल में कौन से है इसमें, तो आपको ध्यान रखना है बेलाडोना अश्वगंधा, ये मेडिसिनल प्लांट है, वहाँ पर मेडिसिनल प्लांट था फेबेसी में, मूल्य थी। फ्यूमिगेटरी में जैसे यहाँ पर टोबैको है, फ्यूमिगेटरी में यानी जो मतलब यूज़ करते हैं टोबैको वगैरह में, जिसमें बीड़ी वगैरह में या सिगरेट में यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं टोबैको, जिनको फ्यूमिगेटरी बोलते हैं। टोबैको ऑर्गनामेंट्स में पिटूनिया ध्यान रखना, वहाँ ऑर्गनामेंट में था ल्यूपिन था और स्वीट पी था, वो ऑर्गनामेंट्स में थे और यहाँ पर ऑर्गनामेंट में पिटूनिया ध्यान रखना आपको। अगली फैमिली हम पढ़ते हैं लिलियसी, जो लास्ट फैमिली है हमारी, कॉमनली कॉल्ड लिली फैमिली इस कैरेक्टर, ये देखिए एक ऐसी फैमिली है जो मोनोकोट है, बाकी इससे आगे हमने पढ़ा था ब्रासिकेसी या सोलेनेसी और फेबेसी, वो सारे डाइकोट वाली फैमिली थी, ये मोनोकोट की फैमिली है। एक के लिए कैरेक्टर रिप्रेजेंटिंग देखिए मोनोकोटिलेडन दे रखा है, डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ल्ड वाइड। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स क्या है, तो पेरेनियल हर्ब्स होते हैं, ये देखिए सदाबहार हर्ब्स होते हैं, पेरेनियल का मतलब होता है सदाबहार, यानी कि पूरे साल भर रहने वाले हर्ब्स हैं। अंडरग्राउंड बल्ब्स कॉर्म्स राइजोम्स मिल सकते हैं इसमें,
ये बल्ब्स, कॉन्स, राइजोम्स वगैरह ये सारे हमने पहले पढ़ रखे हैं। राइजोम्स क्या होते हैं, बर्ड्स क्या होते हैं, जैसे राइजोम्स बनाना क्राइसेंथेमम वहाँ पर मिलता है जो कि अंडरग्राउंड स्टेम होता है, वो आपको ध्यान रखना है। बल्ब्स भी होते हैं जो भी इसमें क्या है कि इनको मतलब इनके बर्ड्स के रूप में काम करते हैं और ये इनको ग्रो करने में हेल्प करते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में इनको रहने में हेल्प करते हैं। लीव्स इसमें कौन सी होती है, तो मोस्टली बेसल अल्टरनेट। यहाँ पर देखिए लीव्स का तो मैंने कॉन्सेप्ट ही बता दिया कि सारी फैमिली में लगभग अल्टरनेट होती है, आपको ध्यान रखना है। और मोनोकॉट है तो यहाँ पर पल्विनेट नहीं होके शीट वाला होगा, आपको ध्यान रखना है। और ये शीट और पल्विनेट क्या है तो इसके लिए लेक्चर देखना पड़ेगा, पिछले बार बार बताने की जरूरत नहीं है। और एक्स स्टिपुलेट होती है, मैंने बताया कि सिर्फ फेबेसी है वहाँ पर स्टिपुलेट है, बाकी सारी फैमिली में एक्स स्टिपुलेट याद रखना है आपको। वेनेशन कैसा होगा, तो मोनोकोट है तो पैरेलल वेनेशन होगा। फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो इनफ्लोरेसेंस सॉलिटरी साइमोज है। ये इनफ्लोरेसेंस याद रखने के लिए मैंने बार बार ट्रिक बता दी आपको, वो ट्रिक आपको ध्यान रखनी है। साइमोज है ऑफन अम्बलेट क्लस्टर, देखिए अम्बलेट कैसा होता है तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है। अब मेरे पास अभी यहाँ पर पेन नहीं है, देखिए मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। अम्बलेट होता है ये, मान लो आज तो डायग्राम भी नहीं बने। इसमें यह होता है कि सारे फ्लावर ये ऐसे, तो यहाँ पर क्या होगा, सारे फ्लावर ऐसे ऐसे एक ही जगह पे लगेंगे ऐसे ऐसे। आपने शायद प्याज का वो फूल देखा हो तो शायद ऐसे एक ही मतलब लाइन में ऐसे फ्लावर होते बहुत सारे गुच्छे में, तो इसको हम बोलते हैं एक मिनट इसको हम बोलते हैं अम्बलेट क्लस्टर होता है, इसको हम बोलते हैं अम्बलेट क्लस्टर। जैसे जीरा सौंफ वगैरह उसमें भी ये वाला एस्टिवेशन मिलता है, इनफ्लोरेसेंस मिलता है, अम्बलेट क्लस्टर बोलते हैं इसको। फ्लावर है जो बाइसेक्सुअल है, हमारे सारे सिलेबस में बाइसेक्सुअल फ्लावर है बता दिया। एक्टिनोमॉर्फिक है, एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री होती है, मैंने बता दिया कि सोलेनेसी और लिलियसी और ब्रासिकेसी सब में एक्टिनोमॉर्फिक है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है फेबेसी में जाइगोमॉर्फिक है। पेरियंथ होता है यहाँ पर, ये तो हमने बहुत बार पढ़ लिखा है यहाँ पर कि टेपल और पेटल अलग अलग नहीं होते हैं, यानी एक जैसे दिखते हैं। और वेलवेट एस्टिवेशन है, ये ध्यान रखना आपको, वेलवेट एस्टिवेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि जो कैलिक्स है या पेरियंथ है इनमें वेलवेट एस्टिवेशन मिलता है मैक्सिमम प्लांट्स में। एंड्रोशियम आपको ध्यान रखना है, इसमें 3+3 का अरेंजमेंट है, ये देखिए 3+3 का अरेंजमेंट है ऐसे, ये तीन अलग है। ऑफन यूनाइटेड इनटू ट्यूब, एंड्रोशियम कभी कभी ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बना देते हैं। और वेलवेट एस्टिवेशन होता है पेरियंथ, एंड्रोशियम नहीं सॉरी पेरियंथ जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, वेलवेट एस्टिवेशन ये पढ़ लिया हमने। और एपिपेटलस होते हैं, यानी कि यहाँ पर जो सॉरी एपिटेपेलस है, यहाँ पर टेपेलस ध्यान रखिए, या इसको हम एपिफाइलस भी बोलते हैं। एनसीईआरटी में पहले जब बताया था इसके बारे में तो वहाँ लिखा था एपिफाइलस, फाइलस वर्ड भी इसी से रिलेटेड है, पेरियंथ से या फिर एपिटेपेलस बोल सकते हैं हम इसको। देखिए जो पेरियंथ की जो सिंगल यूनिट होती है उसको हम टेपल बोलते हैं, जैसे कोरोला की सिंगल यूनिट हम पेटल बोलते हैं, वैसे ही यहाँ पर जो सिंगल यूनिट होती है उसको हम बोलते हैं टेपल, तो इसलिए एपिटेपेलस लिखा है, यानी कि एंड्रोशियम वो टेपल से अटैच है। गाइनोशियम, क्योंकि यहाँ पर पेटल और वो वैसा तो कोई डिफाइंड ही नहीं है, पेटल और सेपल डिफाइंड ही नहीं है, यहाँ पर टेपल डिफाइंड है, यानी कि एक दोनों एक जैसे होते हैं उसको हम टेपल बोलते हैं। गाइनोशियम ट्राइकार्पेरेली आपको ध्यान रखना है, देखिए सबसे पहले हमें फेबेसी पढ़ा वहाँ पर मोनोकार्पेलरी था, उसके बाद हमने पढ़ा क्या बोलते हैं हमने पढ़ा सोलेनेसी वहाँ बाइकार्पेलरी था, ब्रासिकेसी पढ़ा था वहाँ पर बाइकार्पेलरी था, और यहाँ पर ट्राइकार्पेलरी है और सिनकार्पस है। ओवेरी सुपीरियर होती है, मैंने बता दिया सब में ओवेरी सुपीरियर है, ट्राइलोक्युलर है यानी तीन लोक्यूल होंगे क्योंकि ट्राइकार्पेलरी है, विथ मैनी ओवल्स बहुत सारे ओवल्स होंगे, और एक्सियल प्लेसेंटेशन होगा यानी प्लेसेंटेशन एक्सियल होगा। अब एक्सियल प्लेसेंटेशन ये सारे पिछले लेक्चर में हम कवर कर चुके हैं। सीड यहाँ पर मोनोकोट्स है, तो मैंने बताया कि मैक्सिमम मोनोकोट्स में एंडोस्पर्मिक सीड होता है, एक जिसमें नहीं होता है एंडोस्पर्मिक वो कौन सा है तो वो आपको ध्यान रखना है ऑर्किड। फ्लोरल फॉर्मूला देखिए यहाँ पर ब्रैक्टेट लिख रखा है, यहाँ पर बाकी किसी में ब्रैक्टेट नहीं लिख रखा, लिलियसी में यहाँ पर ब्रैक्टेट लिख रखा है। और ब्रैक्ट क्या होता है, तो फ्लावर के जो बेस पे वहाँ पर एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं ब्रैक्ट, ये आपको ध्यान रखना। किसी किसी में कलरफुल भी हो जाते हैं तो वो इतना आपको ध्यान नहीं रखना, पर आपको ये ध्यान रखना है कि ब्रैक्टेट है। और यहाँ पर एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री है, बाइसेक्सुअल है और पेरियंथ है, यानी कि तीन पिन 3+3 का अरेंजमेंट है, और एंड्रोशियम में भी 3+3 का अरेंजमेंट है। और यहाँ पर ये तीन और तीन को कॉस्टिंग में इसलिए पुट किया है क्योंकि यहाँ पर वेलवेट एस्टिवेशन है, हमने पढ़ा था वेलवेट एस्टिवेशन यहाँ दिख रखा, देखिए पेरियंथ में वेलवेट एस्टिवेशन, इसलिए ये आपस में अटैच है, मतलब कि ये आपस में अटैच है। और दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें गाइनोशियम ट्राइकार्पेलरी है और सिनकार्पस, यानी कि आपस में जुड़े हुए इसलिए कॉस्टिंग में। अब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, मेनी प्लांट्स बिलोंगिंग टू दिस फैमिली आर गुड ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स के रूप में इनको यूज़ करते हैं, यानी कि सजावटी पौधों के रूप में, जिसमें आपको ध्यान रखना है ट्यूलिप, ग्लोरियोसा ये ध्यान रखना है। सोर्स ऑफ मेडिसिन में आपको ध्यान रखना है एलोए, ये वही है एलोवेरा जो आप यूज़ करते हो अपने चेहरे पर लगाने के लिए।
एलोवेरा। वेजिटेबल्स में आपको ध्यान रखना है एस्पेरेगस, और एक है ये कोल्ड चिकन। देखिए ये जब सेल डिवीजन में इसका एक रोल होता है, ये थोड़ा वहाँ पर सेल डिवीजन को रोक लेता है, ऐसे कुछ होता है। जब हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो वहाँ मैं आपको इसका बताऊंगा इसका क्या फंक्शन है कोल्ड चिकन। ये देखिए ये डायग्राम दे रखा है। ये डायग्राम है जो कि क्या बोलते हैं प्याज का डायग्राम है, उसके ऊपर ऐसा फूल लगते हैं। ये देखिए ये मैंने आपको जब डायग्राम बना था वो सही नहीं बना, तो ये इसको बोलते हैं एम्बलेट क्लस्टर। ऐसा ऐसा फूल लगता है एम्बलेट क्लस्टर, यानी कि एक ही जगह से सारे ऐसा फूल निकलते हैं और एक ही मतलब पूरा एक बेस जैसा बन जाता है, तो ऊपर तो इसको बोलते हैं एम्बलेट क्लस्टर। तो देखिए दोस्तों हमारा लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, आई होप आपको पसंद आया होगा। एक बार फिर से बता दूं, अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। देखिए आपकी लाइक्स देख के हमें जोश आता है, हमें पढ़ाने का मन करता है कि हम हाँ हम कुछ बता रहे हैं तो किसी को समझ में आ रहा है इससे, और इससे हमारा भी फायदा होगा। देखिए हम लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए बोलते हैं कि हमें भी फायदा होता है, ऐसा नहीं है कि इससे हमें फायदा नहीं होगा, हमें जितने सब्सक्राइबर होंगे उससे हमें फायदा होगा। तो इसलिए आप लाइक करें। अगर आप हमें क्या दे सकते हैं तो आप हमें लाइक्स दे सकते हैं, सब्सक्राइब दे सकते हैं या फिर शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही, चले।